हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुपंच स्टडी चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी जेई की सीबीटी 2 में सिविल ब्रांच की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। इस वीडियो में आपको सिविल इंजीनियर की सभी जोन वाइज आपको कट ऑफ बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास ऐसे ही लेटेस्ट टू लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू आरआरबी जेई, एसएससी जेई, पीआरडी बिहार, LRC बिहार, BTSC JEE से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो आपके पास सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को बता दें कि CBT 2 का एग्ज़ाम 1 सितंबर 2019 को ख़त्म हो चुका है और कुछ एग्ज़ाम टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कैंसिल किया गया था, तो उसको भी रिशेड्यूल कर दिया गया है। तो आप लोग अपना रिशेड्यूल डेट देख लें, जिस भी दिन आपका रिशेड्यूल किया गया है, जिन भी कैंडिडेट का कैंसिल किया गया था उनका रिशेड्यूल कर दिया गया है, वो कैंडिडेट सब ऑफिशियली वेबसाइट पर, आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आरआरबी जेई सिविल इंजीनियर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो आपका सारा जोन वाइज सीट और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है वो बताते हैं। फ्रेंड्स, ये कट ऑफ पूरा CBT 2 का पेपर एनालिसिस, नंबर ऑफ सीट्स एंड कैंडिडेट का रिव्यू के बाद बनाया गया है। तो इस कट ऑफ का फुल एनालिसिस में कम से कम एक हफ्ते से ज़्यादा समय लग चुका है। तो इस कट ऑफ में आपका 2 से 4 पॉइंट ऊपर नीचे रह सकता है, ज़्यादा चांस है नीचे ही रहने का। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट जोन की बात किया जाए। तो फर्स्ट जोन जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, अहमदाबाद है और साइड में आप लोग देख लें डिपार्टमेंट दिया हुआ है, किस किस डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग का वैकेंसी था। इंजीनियरिंग मतलब सिविल इंजीनियर है यहाँ पे, और सिविल इंजीनियरिंग का कौन कौन सा डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई थी, टोटल आपका नीचे वैकेंसी दी गई है। और जिसमें देख रहे हैं जनरल की जो कट ऑफ जाने वाली है 88 से 90, ये कट ऑफ इतना कम इसलिए गई है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का कहना था हम 120 130, किसी किसी का कहना 140 अटैम्प्ट किए हैं, बट उनसे पूछा जाए कि कितना गलत है तो सही सही बोलेंगे तो 30 40 45 ऐसे करके नेगेटिव में जा रहे हैं नंबर। तो इस कारण से ये कट ऑफ इतना डाउन जाने का संभावना है, इससे भी डाउन जा सकता है, बट इतना जो है आपका नॉर्मलाइजेशन रहने वाला है कि इतना ही जाएगा। तो जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, जनरल की जो कट ऑफ है 88 से 90 है, ओबीसी की बात की जाए तो 84 से 87 कट ऑफ रहने वाली है, और एससी कैटेगरी की बात की जाए तो 78 से 80 रहने वाली है, एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 73 to 75 कट ऑफ रहने वाली है। ये है अहमदाबाद जोन की। नेक्स्ट जोन की बात की जाए तो ये है आपका अजमेर जोन, जिसमें जनरल की कट ऑफ जो है 93 to 97 रहने वाली है, ओबीसी की बात की जाए तो 85 to 87 रहने वाली है, एससी कैटेगरी की बात की जाए तो 78 to 80 रहने वाली है, और एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 70 to 73। जो भी कैंडिडेट इस कट ऑफ के अंदर में है या इससे ऊपर हैं, वो कैंडिडेट अपना डीवी के लिए तैयार हो जाएं और अपना सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा डीवी के लिए, एक हफ्ता के अंदर अंदर अपलोड करना होता है, आप सभी को मालूम ही होगा। तो नेक्स्ट जोन की बात की जाए तो वो है अलाहाबाद। अलाहाबाद में जनरल की कट ऑफ जो है 93 to 95 रहने वाली है, ओबीसी की बात की जाए तो 87 to 89, एससी कैटेगरी की बात की जाए तो ये है 82 to 84 रहने वाली है, और एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 75 to 78 कट ऑफ रहने वाली है। आप लोग अपना ब्रांच वाइज देख लें इसमें इंजीनियरिंग का कितना वैकेंसी है, और ये सारे वैकेंसी आपका इंजीनियरिंग का है, ये टोटल वैकेंसी। अब नेक्स्ट जोन की बात की जाए, नेक्स्ट जोन आपका बेंगलुरु है। बेंगलुरु में जो है जनरल की कट ऑफ 88 to 90 रहने वाली है, और ओबीसी की बात की जाए तो 83 to 85 है, एससी कैटेगरी का बात की जाए तो 78 to 80 कट ऑफ रहने वाली है, ये करीब आपका 51% के लगभग हो गया, और एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 68 to 70 कट ऑफ रहने वाली है। और नेक्स्ट जोन की बात की जाए ये है आपका भोपाल। भोपाल की जो कट ऑफ रहने वाली है 88 to 90, और ओबीसी की बात की जाए तो 82 to 85 रहने वाली है, और एससी कैटेगरी की बात की जाए तो 76 to 78 कट ऑफ रहने वाली है, एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 68 to 70 कट ऑफ रहने वाली है। नेक्स्ट जोन की बात की जाए तो नेक्स्ट जोन आप लोग देख रहे हैं भुवनेश्वर, इसमें आपको डिपार्टमेंट भी देख रहे हैं, ब्रिज में है डिज़ाइन एंड ड्राइंग, पीवे वर्क, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग के लिए, और इसमें वैकेंसी भी ठीक ठाक ही है।
तो भुवनेश्वर का उस हिसाब से जनरल की कट ऑफ जो रहने वाली है 93 to 95, ये कट ऑफ आपका सबसे लोएस्ट जो भरे हैं उसका रहने वाला है, और जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी मोर है तो उसका कट ऑफ इतना जा सकता है। तो ओबीसी की कट ऑफ जो है 84 to 87 रहने वाली है, एससी कैटेगरी की कट ऑफ 76 to 78 रहने वाली है, एसटी कैटेगरी की कट ऑफ जो है आपका 68 to 70 रहने वाली है। नेक्स्ट जोन की बात की जाए तो ये है आपका बिलासपुर, बिलासपुर जोन में जनरल की कट ऑफ जो है 95 to 97 रहने वाली है, ओबीसी की कट ऑफ 90 to 92, और एससी कैटेगरी की बात की जाए तो 85 to 87, एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 78 to 80। आप सभी को मालूम ही है सीबीटी 2 में 15 गुना स्टूडेंट को बुलाया गया था पेपर के लिए। तो जनरल की कट ऑफ जो है आपका ये है चंडीगढ़ जोन, जनरल की कट ऑफ 86 to 88 रहने वाली है, ओबीसी की बात की जाए तो 79 to 81 रहने वाली है, एससी कैटेगरी की बात की जाए तो 74 to 77 रहने वाली है, एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो ये रहने वाली है 68 to 72। नेक्स्ट जोन की बात की जाए तो ये है आपका चेन्नई, चेन्नई जोन की जो है जनरल की कट ऑफ 90 to 92, ओबीसी की कट ऑफ जो है 84 to 86 रहने वाली है, एससी कैटेगरी की बात की जाए तो 77 to 79 रहने वाली है, और एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 70 to 72 कट ऑफ रहने वाली है। नेक्स्ट जोन की बात की जाए तो नेक्स्ट जोन आप लोग देख रहे हैं गोरखपुर है, और गोरखपुर में जो है जनरल की कट ऑफ आप लोग देख ही रहे 95 to 97 रहने वाली है, ओबीसी की कट ऑफ 90 to 92 रहने वाली है, एससी कैटेगरी की 82 to 84, और एसटी कैटेगरी का करीब 50% के लगभग कट ऑफ रहने वाली है। और नेक्स्ट जोन है आपका गुवाहाटी, गुवाहाटी में जो कट ऑफ रहने वाली है जनरल की 88 to 90, ओबीसी की बात की जाए तो 82 to 85, एससी कैटेगरी की बात की जाए तो इसका रहने वाला है 75 to 78, और एसटी कैटेगरी की 67 to 70 कट ऑफ रहने वाली है। ये डिपार्टमेंट वाइज भी दिया गया है, डिज़ाइन एंड ड्राइंग में है, पीवे में है, वर्क्स में है, ये सभी आप लोग देख लें, डिपार्टमेंट साइड में दिया हुआ है, और वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई है। और नेक्स्ट जोन की बात की जाए तो नेक्स्ट जोन आपका जम्मू एंड श्रीनगर का है आरआरबी, और इसका जनरल का कट ऑफ 86 to 89 रहने वाला है, ओबीसी की बात की जाए तो 80 to 83 रहने वाला है, एससी कैटेगरी की बात की जाए तो 72 to 75 रहने वाला है, एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 65 to 68 रहने वाला है। अब बात किया जाए नेक्स्ट जोन की तो नेक्स्ट जोन आप लोग देख रहे हैं ये आपका है कोलकाता, कोलकाता में जैसा कि देख रहे हैं आप लोग जनरल की कट ऑफ जो रहने वाली है वो रहने वाले 93 to 95, और ओबीसी की कट ऑफ जो है 87 to 89 रहने वाला है, एससी कैटेगरी का 78 to 80, और एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 69 to 71, और जो भी पीएच कैंडिडेट है और एक्स सर्विसमैन है इससे भी कम जाने का कट ऑफ चांस है, इससे ज़्यादा जाने का कम ही चांस है। तो नेक्स्ट जोन की बात की जाए तो मालदा है नेक्स्ट जोन, नेक्स्ट जोन मालदा में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इंजीनियरिंग का किस किस डिपार्टमेंट में आपका है ये आप लोग देख लें, और जनरल की जैसा कि देख रहे हैं 88 to 90 कट ऑफ रहने वाला है, ओबीसी की बात की जाए तो 78 to 82 रहने वाला है, एससी कैटेगरी की बात की जाए तो 72 to 74 रहने वाला है, और एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 66 to 68 रहने वाला है मालदा में आपका कट ऑफ। नेक्स्ट जोन जो है आपका मुंबई है, मुंबई में आप लोग जैसा कि देख रहे हैं 90 to 92 रहने वाला है, इसमें भी सीट कम नहीं आई हुई थी मुंबई जोन में, तो जैसा कि देख रहे हैं आप लोग जनरल की कट ऑफ जो रहने वाली है वो रहने वाली है 90 to 92, ओबीसी की बात की जाए तो वो रहने वाली है 85 to 88, और एससी कैटेगरी की बात की जाए तो 75 to 79, और एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो वो रहने वाली है 66 to 68 कट ऑफ रहने वाली है इस जोन में। नेक्स्ट जोन की बात की जाए नेक्स्ट जोन है आपका मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सीट भी बहुत कम थी, उस हिसाब से कैंडिडेट भी वहाँ पे फेल कम ही किए हैं, और उनका रिव्यू लेके भी देखे तो उस हिसाब से वहाँ पे उतना बढ़िया पेपर भी नहीं गया। तो आप लोग जो भी कैंडिडेट इस जोन में भरे हैं फॉर्म वो अपना नाम चेक कर लें इसमें, और जैसा कि देख रहे हैं आप लोग जनरल की कट ऑफ इसमें 83 to 85 रहने वाली है, ओबीसी की कट ऑफ की बात की जाए तो 79 to 82 रहने वाली है, और एससी कैटेगरी की बात की जाए तो 72 to 73 रहने वाली है, एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 68 to 70 रहने वाली है। ये कट ऑफ आपका डिफ़िकल्टी लेवल भी देख के मनाया गया है आपका,
और इजी था कि मीडियम था पेपर, इन सब को देखते हुए बनाया गया है। और नेक्स्ट जोन की बात की जाए वो है आपका पटना। पटना जोन में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं जनरल की कट ऑफ जो है 88-90 रहने वाला है, ओबीसी की बात की जाए तो 78-80 जाने वाला है, और एससी कैटेगरी की बात की जाए तो 70-72 रहने वाला है, एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 65-68 रहने वाला है। तो जिनका भी इस कट ऑफ के अंदर है वो लोग अपना डीवी के लिए तैयार हो जाए, और डीवी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इसके लिए भी एक वीडियो है, आप लोग वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं, और कुल 20 डॉक्यूमेंट चाहिए उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जोन की बात की जाए तो आरआरबी रांची है, और रांची में जैसा कि देख रहे हैं आप लोग जनरल की कट ऑफ जो 85-87 रहने वाली है, ओबीसी की बात की जाए तो 82-83 रहने वाली है, एससी कैटेगरी की बात की जाए तो 74-77 कट ऑफ रहने वाली है, एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 65-68 कट ऑफ रहेगी। अब नेक्स्ट जोन की बात की जाए तो नेक्स्ट जोन आपका है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में जो है आपका 88-90 रहने वाला है जनरल की कट ऑफ, और ओबीसी की कट ऑफ जो रहने वाली है वो रहने वाली है 76-78, एससी कैटेगरी की बात की जाए तो उसकी रहने वाली है 72-73 कट ऑफ, और एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो एसटी कैटेगरी की आप लोग जैसा कि देख रहे हैं 68-70 रहने वाली है कट ऑफ। अब नेक्स्ट जोन की बात की जाए तो नेक्स्ट जोन आपका सिलीगुड़ी है। सिलीगुड़ी में आप लोग देख रहे हैं जैसा कि जनरल की कट ऑफ 90-94 रहने वाली है, ओबीसी की कट ऑफ जो है 85-89, एससी कैटेगरी की कट ऑफ 78-82 रहने वाली है, और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ जो है 72-74 के लगभग रहने वाली है, मतलब 50% से भी कम जाने की चांस है इस जोन में। नेक्स्ट जोन की बात की जाए तो वो है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में आप लोग जैसा कि देख रहे हैं जनरल की कट ऑफ 85-87 रहने वाली है, ओबीसी की कट ऑफ की बात की जाए तो वो रहने वाली है 82-86, और एससी कैटेगरी की बात की जाए तो वो रहने वाली है 75-77, और एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो वो रहने वाली है आपकी 68-70। इस वीडियो में यही था, और आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फर्दर अपडेट।